शुरू होते ही फिर रात के सन्नाटे का फायदा चोरों ने उठाना शुरू कर दिया है। चोरों ने एक साथ सात कपड़ों की दुकानों को निशाना बनाते हुए ताले तोड़कर दुकानों में रखे हजारों रुपए नकदी और कपड़े ले उड़े, जिसके बाद दुकानदारों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जहां सीसीटीवी फुटेज में दो बदमाश को चोरी की घटना को अंजाम देते हुए देखा और पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र स्थित राजवाड़ा चौक पर बनी कपड़े की सात दुकानों के ताले देर रात अज्ञात बदमाश चोरों ने तोड़कर दुकानों के अंदर से गल्ले में रखे हजारों रुपए नकदी तो वहीं महंगे कपड़े लेकर बदमाश फरार हो गए। यह घटना चोरों की सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। तो वहीं एक साथ इन्हीं दुकानों के ताले टूटने से पूरे व्यापारी वर्ग में भी पुलिस की गश्त के खिलाफ आक्रोश खड़ा हो गया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। इसने गल्ला वगैरह सब खाली करा है, उसके बाद माल वगैरह भरा है। माल भरने के बाद ये कूद के गए हैं और अंदर फिर चोरी करी इन्होंने। तकरीबन सात सात कितनी दुकानों में चोरी हुई है? पर दुकान की चोरी, क्या क्या गया? हर दुकान से स्टॉक गया है, गल्ले के सिल्लक जिसकी इतनी इतनी बड़ी थी सब गई है। कितने तो दो जने दिख रहे हैं सर। क्या क्या पहली बार इतनी बड़ी घटना हुई है क्षेत्र में? फर्स्ट टाइम हुई है। मेन तो क्या ये बल्लियां लगी ना, इसके सहारे सब जगह चोरी हुई था। ये राजवाड़ा के पीछे जो सुभाष मार्केट है, इसमें पांच छह दुकानों में खिड़कियों से अंदर घुस के चोरी की घटना हुई है। कपड़े की दुकानों से सर, किसी सीसीटीवी फुटेज और कितनी दुकान को इन्होंने अंजाम दिया है? करीब छह दुकानें हैं जिनको निशाना बनाया गया। सीसीटीवी फुटेज केवल एक दुकान में आया, थोड़ा सा की झलक आई, और भी कई संभावना होगी जो हम लोग देख रहे हैं। सर, सीसीटीवी फुटेज में कुछ कोई आरोपी दिखा है अभी तक? फुटेज में अभी क्लियर फुटेज नहीं आया है। इसमें एक मुंह पे कपड़ा बांधे हुए लड़का टाइप का दिखा है। सर, करीब छः दुकानों से, कुल छः दुकानें हैं जहाँ अंदर घुसे हैं। एक दुकान में केवल घुसे हैं, अंदर घुस गया नहीं सामान। बाकी दुकानों से कुछ कैश गया है, वो हम लोग उसका पूरा कैलकुलेशन करा रहे हैं। मैं जनरली दुकान वाले सामान कैश रखते नहीं, जो भी दो दो चार चार हज़ार गया जैसा भी होगा भी रख लेगा।